अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और गुड मॉर्निंग। उम्मीद है मेरे सभी फ्रेंड्स खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। और आज सुबह सुबह का टाइम मैं उठी थी, मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो आज हमारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इरम और मैरी कर रहे हैं किचन साफ और साथ बनाने लगे हैं चाय। इरम क्या करने लगी है? चाय बनाने लगी। हेलो बोलो। मैरी भंडे गाइस, आपको पता है गांव के लोगों का कि वो पंजाबी कल्चर है। और ये देखिए आज हमारा किचन कितना गंदा लग रहा है। तो आज हम काम वगैरह करके आज फिर हम फुल पेंडू मॉल का सारा काम करेंगे। तवी पे रोटियां बनाएंगे और वो भैंस के गोए की क्या बनाते हैं, पाथियाँ। आज मैं पाथियाँ भी बनाऊंगी। सो आज मैं पाथियाँ बनाऊंगी। बाकी हमारा ड्राइंग रूम तो माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ड्राइंग रूम तो साफ है मगर कमरे का देख के आते हैं कि कमरा देख, ओह माय गॉड, कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। ये इरम का कमरा है, इरम ने रात का गंद डाला हुआ है इसमें। ये देखिए बेड पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। और सुहानी सुबह का देख के आते हैं कि क्या माहौल है। सुबह का माहौल देख के आते हैं कि कैसी सुबह बाहर से लग रही है। सो मैंने दुपट्टा ले लिया, मैंने कहा बाहर घर के बाहर जा रही हूँ तो देख लूँ कोई कढ़ाई ना हो, अच्छा नहीं लगता ना। सो वाह, शुक्र है, शुक्र है खुदा का, आज धूप निकली हुई है। बड़ी कड़क वाली धूप है और बड़ी मज़े वाली ये सुबह है। वैसे गांव का भी अपने माहौल होता है, मज़ा आता है। तो शहरों की बंद बंद ज़िंदगी, छोटे छोटे घर होते हैं और शहरों का गांव का ये है कि खुली फिजाएं, खुली हवाएं। तो देखे मैं जूम करके दिखाती हूँ, पीछे हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे बाग है, वो सारा ये सामने सब बाग है। इधर लोगों के घर है और ये बाग है। ये मुझे तो बहुत मज़ा आता है गांव में। हम पहले शहर में रहते थे, बहुत घुटन फील होती थी, लेकिन क्योंकि शुरू में यहीं पे मैं पैदा हुई हूँ, गांव में रहे हैं, तो मुझे शहरों में मुझे बहुत घुटन होती थी। छोटे छोटे घर थे, इतने ज़्यादा ज़्यादा किराए थे, तो शहर की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है भाई। तो मुझे ये चीज़ें लगाने का बहुत शौक़ है। और हमारे घर के सामने ही थोड़ी सी जगह बची थी जहाँ पे मैंने ना लहसुन और मूंगरे ये पालक चीज़ें लगाई हुई हैं। तो अल्लाह करे ये हो जाएंगी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे जब बड़ी हो जाएंगी। और यहाँ पर ये है कि हम जैसे तवी पर रोटियां बनाते हैं आग पे, तो पाथियों के साथ भी रोटियां बन जाती हैं, खाना बन जाता है यहाँ पे। ये मैंने बच्चों से बालन इकट्ठा करवाया था, तो अभी हम यहाँ पे आके बालन भी जला लेते हैं। तो ये आगे गंदम लगी हुई है, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। हमारा ना गांव में घर है, तो एक टोन बना है उसमें हमारा घर है, तो उसके साथ ही इसमें ना ये गंदा वगैरह ये गंदम लगाई हुई है। वो पीछे भी घर बने हुए हैं। और व्यूअर्स, हमारी दोनों साइडों पे ना पीछे बाग है, इधर भी बाग है, पीछे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और दूसरी साइड पे घूमें तो इधर भी बाग है, सेंटर में हमारा घर है। सो वापसी चलते हैं घर, घर जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में जब रोटियां वगैरह बनानी होंगी आज, तो आज मैं बनाऊंगी तवी पे और आज वो पाथियां भी बनाऊंगी। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं चूरी और चाय का नाश्ता। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम नाश्ता में क्या कर रहे हैं। एंजो हेलो बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। एंजू के बाल ऐसे सुबह सुबह बिखरे होते हैं और एंजू हो तो मोबाइल हो, ये कहता है मैं हूँ तो मोबाइल हो। और इरम आज कपड़े धोने वाला?
धोने वाले मैंने निकाले हैं, अभी नाश्ता करके फिर धो लेंगे। अच्छा, अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद करो मैगी, नाश्ता करो, नाश्ते के बाद कपड़े धोते हैं फिर, ठीक है। सो गाइस, नाश्ता करके कमरा वगैरह भी नीट कर लिया है, और इसके बाद अभी कपड़े मशीन लगाई हुई है इरम ने, तो इरम मशीन लगाई है इरम ने, ये अपना कमरा भी नीट कर लिया है अभी यहाँ से दूसरा वाला कमरा, और ये इरम के खिलौने हैं, इरम के टॉयज, ये इरम ने गुड़िया का घर बनाया हुआ है, और यहाँ पे इरम रात को ना कार्टून्स वगैरह या कोई ड्रामा वगैरह देख लेती है। तो मैरी कपड़े निकाल रही है, उस दिन से कपड़े धोए थे, थोड़े से कपड़े थे। मैरी कहाँ गई चली? आटा गूंद रही है। अच्छा, तो उस दिन से कपड़े नहीं थे धोए, तो उस दिन से धोए जिस दिन पहले वीडियो बनाई है, तो आज मैंने कहा कि कपड़े धो लेते हैं फिर से, तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। सो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसके बाद हम बनाते हैं तवी पे रोटियां। तो वीवर्स, ऐसे गांव में तवी पे रोटियां बनाते हैं, बड़े तवे पे। तो यहाँ का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले हम गैस ही यूज़ करते थे, अब हम भी तवी पे रोटियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी रोटियां। तो बहुत अच्छा लगता है, अभी सर्दियां चले गई हैं, गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो बस पहले सर्दी ने तंग किया था, अब गर्मी तंग करेगी। तो गाइस, ये हमने यहाँ पे पाथियाँ बनाई थी, गए उस साइड पे भी काफ़ी बनाए हैं, तब मेरा कैमरामैन है नहीं था, इस वजह से मैंने जब बनाए थे तब नहीं दिखाया। तो गाइस, ये था आज का मेरा व्लॉग, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।